हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली मिठाई की रेसिपी। इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाकर तैयार करेंगे। आप जो महंगी मिठाई मार्केट से लेकर आते हैं, उसे आज हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही सस्ते में। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्पेशल कुकिंग विद नेहा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पार्ले जी के बिस्कुट से एकदम नई रेसिपी, जिसे खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। जन्माष्टमी या किसी भी फेस्टिवल पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई इतनी टेस्टी लगती है और इसमें हमें ना तो गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही मावे की और ना ही खोया की। हम इसे बिस्किट से बनाकर तैयार करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये दो पार्ले जी के बिस्किट लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट या चॉकलेट, जो भी आपका फेवरेट है वो आप बिस्किट ले सकते हैं। अब हम इसे बिस्किटों को पैकेट से निकाल लेंगे। इन्हें बिस्किटों को हम पहले बारीक बारीक तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इसका मिक्सी में डालकर इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है, इसलिए हम इसे तोड़ लेंगे। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बिस्किट, साथ में ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। ये मैंने चीनी का पाउडर लिया है, आप चाहे तो बूरा या खांड भी ले सकते हैं। साथ में ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून नारियल का बरूदा और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। मैंने ये बादाम लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद है। इसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने एकदम इसे मिक्सी में बारीक पीसा है। आप चाहे, अगर आपका थोड़ा ये पेस्ट दरदरा रहे तो आप इसे छन्नी में छान भी सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने बारीक पीस कर तैयार किया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। साथ में ही हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और साथ में ही हम इसमें डालेंगे कलर फूड। अगर आपको कलर फूड नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। ये मैंने ठंडा दूध लिया है, या आप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध भी ले सकते हैं। गरम दूध का यूज़ आपको नहीं करना है। दूध को आपको थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से इसका एक डो तैयार कर लेना है। दूध को आपको एकदम से नहीं डालना है, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है। अगर आप एकदम से दूध डालेंगे तो जो हमारा डो है वो एकदम पतला हो जाएगा और चिपचिपा बनेगा और हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। ये देखिए, हाथों की मदद से इस तरीके से आपको इसका डो तैयार कर लेना है। मैंने वीडियो को थोड़ा स्क्रिप कर दिया था ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना बने। ये डो बनकर तैयार है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे डो को चिकना कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसी बर्तन में हम लेंगे 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, साथ में ही हम इसमें लेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अगर आपको मिल्क पाउडर ज़्यादा लेना है तो आप 4 चम्मच भी कर सकते हैं। साथ में ही हम लेंगे 1 टेबल स्पून नारियल का बरूदा। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। साथ में ही हम इसमें लेंगे इलायची पाउडर और इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर दूध ऐड करेंगे। दूध आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करना है और इसी तरीके से जैसे हमने पहला वाला डो तैयार किया था, इसी तरीके से इसका डो भी एक तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, एक मीडियम सा, जिस तरीके से आटे का डो होता है इसी तरीके से हमें इसका भी डो तैयार कर लेना है। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे भी हल्का सा चिकना कर लेंगे। ये देखिए, डो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैंने लिया है ये फूड पेपर, आप चाहे तो बटर पेपर या फॉइल पेपर या फिर कोई पोलोथीन ले सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाया है। अब जो हमने ये डो तैयार किया था बिस्किट वाला, इसे हम इस तरीके से हाथों से गोल गोल घुमाकर इस तरीके से बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लेंगे। आपको जो भी शेप चाहिए आप उसमें बेल सकते हैं। मैं इसे एकदम गोल शेप में बना रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसलिए बेला है।
ये देखिए इसके जो किनारे हैं ये थोड़े फट रहे हैं, इसे हाथों की मदद से आपको सही कर लेना है। ये मिठाई कोई नहीं कहेगा का आपने इसे बिस्कुट से बनाकर तैयार की है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारे ये बिल्कुल बेलकर तैयार है। अब जो हमने ये वाइट वाला डो बनाया था इसका एक गोल सा लंबा सी शेप देकर इस तरीके से इसे अंदर रख कर और इस तरीके से मोड़ लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर आप स्क्रिप करके देखेंगे तो आपकी जो मिठाई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से हाथों की मदद से इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से गोल गोल कर कर। अब इसे पेपर में इस तरीके से लपेट कर रख देंगे। इस तरीके से चारों तरफ से आपको मोड़ना है। अब इसे आपको लगभग 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और ये मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है। मैंने इसमें रबड़ लगा दी थी जिससे जो हमारे ये पेपर है ये खुले नहीं। ये देखिए हमारी मिठाई एकदम सेट हो चुकी है। अब हम इस पे लगाएंगे सिल्वर पेपर। अगर आपको आपके पास नहीं है तो आप स्क्रिप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसकी कटिंग चालू करेंगे। आगे के हिस्से को हम निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसे चाकू की मदद से कट कर लेंगे। आपको इसके लिए धार वाले चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो चाकू है वो इसकी कम धार है, लेकिन अगर आपके पास एकदम धार वाला चाकू है तो आप उसे ले सकते हैं। और इस तरीके से इसे बराबर साइज़ में कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी मिठाई लग रही है, खाने में भी इतनी स्वादिष्ट है। और इसे हमने एकदम पार्ले जी के बिस्कुट से बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से आपको इसके पीसों को कट कर लेना है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है। ये देखिए हमारी एकदम से सॉफ्ट सी मिठाई और मुंह में घुलने वाली मिठाई बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं एक बार आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये हमारी जो मिठाई है ये कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत ही कम मेहनत के साथ और कम खर्चे में ही बनकर तैयार हो जाती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।